अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार, जो कि वैसे तो बॉलीवुड में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं और बॉलीवुड में इनकी कई फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आ पाई जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई हो और इनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया हो। लेकिन फाइनली इनकी एक ऐसी फिल्म आने वाली जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती, साथ ही इस फिल्म के आने के बाद इनकी एक्टिंग के काफी ज्यादा चर्चे भी होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्या खोसला कुमार की फिल्म सभी अ ब्लडी हाउसवाइफ के बारे में। तो अगर आप भी इस फिल्म के ट्रेलर को देख चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, साथ ही आप सभी को बताने वाले फिल्म का बजट कितना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फिल्म को अभिनय डियो के डायरेक्शन में बनाया गया, जो कि बॉलीवुड को पहले ही डेली बेली जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म के लीड रोल में हमें एक्टर दिव्या खोसला कुमार के साथ साथ बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर अनिल कपूर भी दिखाई देने वाले हैं और इनका साथ देने वाले एक्टर हर्षवर्धन राणे। अगर बात करें फिल्म के ट्रेलर के बारे में तो फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है। जी हाँ, ट्रेलर को देखने के बाद पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंगेजिंग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। खासकर फिल्म में अनिल कपूर के स्पेशल रोल ने चार चांद लगा दिए। जी हाँ, इस फिल्म में हमें अनिल कपूर एक मास्टरमाइंड के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो कि इनका कैरेक्टर ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर बात करें एक्टर दिव्या खोसला कुमार के बारे में तो फिल्म के ट्रेलर को देख के पता चल रहा है कि इस फिल्म में एक्टर दिव्या खोसला कुमार एक हाउसवाइफ के कैरेक्टर में नजर आने वाली, जो कि अपने पति को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यहाँ तक ये जेल को तोड़ के अपने पति को छुड़ाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। साथ ही बात करें हर्षवर्धन राणे के बारे में तो ये दिव्या खोसला कुमार के हस्बैंड के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। ओवरऑल कहा जाए तो सभी का कैरेक्टर काफी जबरदस्त होने वाला है और खासकर दिव्या खोसला कुमार, ट्रेलर को देख के पता चल रहा है कि इनकी एक्टिंग इस बार इस फिल्म में काफी जबरदस्त होने वाली है और हर्षवर्धन राणे भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये फिल्म 2024 में बॉलीवुड की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है। अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जिसके चलते फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का लेवल भी काफी जबरदस्त है। जी हाँ, फिल्म की विजुअल्स भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, साथ ही फिल्म में जो BGM सुनाई दे रहा है ऑडियंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो ये फिल्म हमें 31 मई 2024 के दिन सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।